हम सब ने कभी ना कभी 10,000 hour प्रैक्टिस के बारे में सुना होगा कि किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 10,000 hours आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुना है ना, कभी ब्रूस ली से, कभी किसी मूवी में या कहीं पर और। लेकिन एज इट टर्न्स आउट, हमें इतना एक्सपर्ट बनना क्यों है? देखिए, गलत मत समझिए, मैं एक्सपर्ट बनने के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाना चाहता हूं। मैं आपको उस फील्ड का कर्ता धर्ता नहीं बनाना चाहता। आई वॉन्ट यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड हैव अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी स्किल पर या किसी भी चीज पर अगर बेसिक कमांड करना है तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्रैक्टिस ऑफ 20 hours। बहुत रीसेंट की स्टडीज हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप किसी चीज की 20 hours भी प्रैक्टिस करते हो तो आप उस चीज में इतना अच्छा कमांड ला सकते हो कि यू आर बेटर देन मोस्ट। अब उसके ऊपर आप जितनी मेहनत करते जाओ उतना आपके लिए अच्छा, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओ उतना आपके लिए बढ़िया। तो अब अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है और 20 hours पढ़ना है तो कैसे उन 20 hours को निकालना है? क्या मैं पूरा सब्जेक्ट 20 hours में करूं तो हो जाएगा? नहीं। एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर स्टडीइंग, एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू आर रीडिंग, उस हर टॉपिक का 20 hours रिविजन करना है। अब ये तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, नहीं, क्योंकि अब इसको इस तरीके से देखो, एंड दिस इज हाउ वी लर्न सम रिविजन टेक्निक्स। पॉइंट नंबर 1, जब आपने कोई चीज पढ़ी, स्टेप 1 इज टू रिव्यू इट इमीडिएटली। अभी पढ़ा है, अभी के अभी देख लो, राइट? बिकॉज इट्स फ्रेश इन योर मेमोरी, आप उसको दोबारा से देखोगे, इट विल क्रिएट अ लेयर इन योर माइंड, वो चीज बैठेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ एक बार जब आपने देख लिया, अगले दिन सुबह उठ करके उसको दोबारा देख लो। हार्डली अब आपने आज अगर 3 hours पढ़ा है, कल 1.5 hours में उसको रिवाइज कर लिया है, आपने लगभग 4.5 hours उस पर ऑलरेडी बिता दिए। अब ये 20 hours की जर्नी थोड़ी आसान हो गई। अब हमें ये करना है कि अपना एक रिविजन का शेड्यूल बनाना है। इमीडिएट रिविजन, नेक्स्ट डे रिविजन, नाउ वील रिवाइज इन समवॉट अ फिबोनाची स्कीम। कैसे होगा? हम 5 days बाद रिवाइज करेंगे, फिर हम 10 days बाद रिवाइज करेंगे, फिर हम 20 days बाद रिवाइज करेंगे, 40 days बाद रिवाइज करेंगे, और उन चीजों को हम रिवाइज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा आपका कोर्स है, इतने सारे सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कि आप इन सबको याद नहीं रख सकते। अगर आपको याद रखना है तो बार बार रिकॉल करना जरूरी है। अब ये तो हुई रिविजन की एक टेक्निक। रिविजन का एक और तरीका है, वो है खुद को टेस्ट करना। क्योंकि जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं पता आप रिवाइज कर भी रहे हैं या सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। यकीन मानिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे को लगता है कि वो रिवाइज कर रहा है पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, वो सिर्फ अगर रीड कर रहा है तो वो रिविजन नहीं है, वो सिर्फ आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आपको वाकई जानना है कि आपका रिविजन कितना हुआ है तो समय समय पर खुद को टेस्ट करते रहिए, देखते रहिए कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, बिकॉज वही इंप्रूव हो सकता है जो मेजर कर सकते हो, खास तौर पर पढ़ाई में। तो अगर आपको आइडिया लग गया कि मेरा इतना इंप्रूवमेंट हुआ है तो अब मुझे कितना रिविजन करना है, उसकी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड इसको कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना है। ये है टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 3 इज अबाउट एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल बहुत सारे तरीकों से होता है। एक्टिव रिकॉल करने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है वो ये है कि आप शाम के समय वॉक पर निकलें, साइकिलिंग पर निकलें, या फिर अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से घर, कॉलेज से घर या कहीं पर जा रहे हैं और रास्ता लंबा है तो उस रास्ते में खुद सुनते रहिए अपने दिमाग की, या अपने दिमाग में सोचते रहिए कि सेक्शन 1 में ये था, सेक्शन 2 में ये था, और जहां पर भी फंसे उस चीज को थोड़ा याद करने की कोशिश करें, ना आए तो तुरंत देखें कि यहां पर क्या था, राइट? एंड दिस इज हाउ एक्टिव रिकॉल वर्क्स। अब कई जगहों पर मैंने बच्चों को यह भी करते हुए देखा है कि वो उस चीज को पढ़ करके ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब भी कहीं आते जाते हैं तो अपना खुद का ऑडियो सुनते हुए जाते हैं, इससे उनको वो रिवाइज होता जाता है। दिस इज टेक्निक नंबर 4। टेक्निक नंबर 5, जो मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक्स में से एक है, वो है किसी को पढ़ा दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो आपका कॉम्पिटिटर हो,
तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की मदद करेंगे तो आपका बुरा नहीं हो रहा है, आप उसको पढ़ाएंगे तो उसके लिए खुद आपको जितना पढ़ना पड़ेगा उससे आपका रिविजन कहीं ज्यादा हो रहा है, आप खुद रिवाइज करेंगे दूसरे को पढ़ाएंगे तो आपका रिविजन बहुत बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए आप जितना पढ़ते हैं पढ़ने के लिए हम उतना नहीं पढ़ते, एंड ट्रस्ट मी दिस इज ट्रू, ट्राई करके देखिएगा। और इन सारी चीजों को करने में हर टॉपिक में लगभग 20 घंटे तो बीत ही जाएंगे, और जहां आपके 20 घंटे बीते आप बाकी के सारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज पाएंगे, एंड दिस इज हाउ यू गेन अ बेसिक कमांड ऑन द सब्जेक्ट, यू आर बेटर दैन मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल बी अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो 10,000 घंटे नहीं, 20 घंटे काफी हैं, कोशिश तो करो, कॉमेंट्स में बताना।